आइए आपको एक बयान सुनाते हैं। पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी, मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। ये हैं कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। उल जलूल बयानों के लिए कुख्यात दिग्विजय सिंह ने अपने ताजा बयान में कुछ ये कहा। जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं वो या तो बजरंग दल, बीजेपी या फिर आईएसआई से पैसे लेते हैं। आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम करते हैं और गैर मुसलमान ज्यादा। अब आइए आपको जरा इतिहास में ले चलते हैं। भारतीय इतिहास में आपने जयचंद के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वो गद्दार जिसने हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए अफगानिस्तान से आए आक्रांता मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिए थे। अगर दिग्विजय सिंह को आधुनिक भारत के इतिहास के जयचंद के रूप में वर्णित किया जाए तो गलत नहीं होगा। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि दिग्विजय सिंह खुद ही कई ऐसी वजहें दे रहे हैं जिसके चलते उन्हें आधुनिक इतिहास के जयचंद के रूप में लिखा जाएगा। 2008 में जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पे हमला किया था तो पुलिस ने एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह पाकिस्तान से आतंकी आए और उन्होंने 4 दिन तक मुंबई को दहला कर रख दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह ने उसके बाद एक किताब लॉन्च की जिसका नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। इस किताब को लिखा था उर्दू सहारा समाचार पत्र के चीफ एडिटर अजीज बर्नी ने। इस किताब में मुंबई हमले के सारे दोष को पाकिस्तान और वहां से आए आतंकियों के बजाय भारत के सांस्कृतिक संगठन आरएसएस पर थोप दिया गया था। ये सीधे सीधे पाकिस्तान को बचाने की साजिश थी। किताब को लॉन्च करके दिग्विजय सिंह भी इस साजिश में शामिल हो गए। उन्होंने खुद को जयचंद साबित कर ही दिया। जरा सोचिए, अगर हवलदार तुकाराम आमले ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कसाब को नहीं पकड़ा होता तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार इस आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद साबित कर चुकी होती। 26/11 के हमलावरों ने मंदिर से कलावा खरीदा था और हाथों में बांधा था ताकि वो हिंदू दिख सके। आतंकियों को ये बात अच्छे से पता थी कि अल्पसंख्यक वोटों के लालच में दिग्विजय सिंह जैसे नेता पाकिस्तान को बचा ही लेंगे। वो तो दिग्विजय सिंह का बस नहीं चला, वरना वो तो कारगिल और 1971 के युद्ध के लिए भी आरएसएस को ही दोषी ठहराते। यूपीए शासन के दौरान दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में से थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को ईजाद किया था। आतंकियों को जितनी इज्जत दिग्विजय सिंह देते हैं उतनी तो आतंकियों के परिवार वाले भी नहीं देते होंगे। उसामा जी, हाफिज सईद जी, ये तो चंद किस्से हैं दिग्विजय सिंह जी के। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग लेना, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर लेना, ऐसे लगता है कि दिग्विजय सिंह फुल टाइम पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं और पार्ट टाइम कांग्रेस के नेता। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी मुसलमान कम करते हैं और गैर मुसलमान ज़्यादा। दिग्विजय सिंह ये बताना भूल गए कि जो भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उनमें से आधे तो कांग्रेस पार्टी में ही बैठे हुए हैं और जो आधे बचे कुचे मददगार हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हैं। तभी तो उनके समर्थन के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है। तभी तो अब पाकिस्तान भी खुल कर कहता है कि हमारे कई शुभचिंतक हैं भारत में। आज कांग्रेस जिस गड्ढे में गिरी हुई है ना, उसे खोदने में दिग्विजय सिंह ने बहुत योगदान दिया है।